नमस्ते, चले आज हम देखेंगे घर पे रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी मेलोनी कैसे बनाते हैं। इसमें सारी सब्जियां रहते हैं और इसका प्यूरे पालक से बनता है, इससे ये बहुत हेल्दी भी रहता है। चलिए फिर देखेंगे कैसे बनता है। इसके लिए पहले हम एक प्यूरी बना लेंगे पालक का। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 कप पानी डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर इसमें सारे पालक के पत्ते डाल लिए हैं। पालक के पत्तों को उलट पुलट करके 2 से 5 मिनट तक पका लीजिए। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इससे इसका कलर चला जाएगा। बाद में हम पालक के पत्तों को ठंडे पानी में डालेंगे, इससे इसका कलर आगे चेंज नहीं होगा। जब पालक के पत्ते ठंडे हो जाएं, इसे एक मिक्सर जार में डालकर इसका एक प्यूरी बना लीजिए। देखिए हमारा प्यूरी अब तैयार है। चलिए अब सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल लिया है। तेल गर्म होने के बाद इसमें डालिए 1 टीस्पून जीरा और लहसुन बारीक कटा हुआ करीब 1 टेबलस्पून। लहसुन को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पका लीजिए। बाद में इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ डालिए। बाद में इसमें डालिए 1 टीस्पून हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने 6 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियां और 1/2 इंच अदरक का पेस्ट बना लिया है। इसे डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक कि सारे प्याज ब्राउन ना हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन डालने से हमारे ग्रेवी में गाढ़ापन आ जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर बारीक कटा हुआ। इसे भी अच्छी तरह से भून लीजिए जब तक टमाटर सारे सॉफ्ट ना हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पालक का प्यूरे जो हमने बना के रखा था और उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिलाकर ढक के पकने के लिए छोड़ दें। ढक के पकाने से जल्दी पक जाएगा। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये साइड से तेल ना छोड़ दे। अभी तेल छूट चुका है और अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से मसाले। पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन सबको डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सब्जियाँ। पहले हम डालेंगे 1/4 कप हरे मटर, 1/2 कप गोभी और 1 कप उबले हुए सारे सब्जियाँ। यहाँ पे हम जो चाहिए सब्जी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू, थोड़े से गाजर और थोड़ा सा और बीन्स लिया है। इसे अब अच्छी तरह से मिला लीजिए और अब हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। बाद में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे मेरा ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी। और 1 टेबलस्पून मक्खन। अब इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मक्खन डालने से ग्रेवी में अच्छा शाइन आ जाएगा। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या ताजी मलाई। फ्रेश क्रीम डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 मिनट के लिए पका लीजिए और इसे सर्व करें। इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व किया जाता है। सब्जी मेलोनी का प्यूरे पालक से बनता है और इसमें सारे सब्जियां मिलाए जाते हैं, इसलिए ये हेल्दी ऑप्शन भी है। इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी मेलोनी घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।